किसी परिवार में शादी करने से पहले हजारों सावधानियां बरतनी चाहिए। शादी से पहले सिर्फ लड़के या लड़की के बारे में जान लेना चाहिए, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि शादी सिर्फ लड़के और लड़की का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। शादी के दो परिवार एक हो जाते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। लड़के और लड़कियों के लिए तो शादी बहुत ही खास होता है। शादी को हमेशा से एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जब पति पत्नी के इस प्यार भरे रिश्ते पर शक करने की वजह मिल जाती है। पति को लूटकर फरार हुई पत्नी, क्या कोई पत्नी अपने पति का बुरा कर सकती है? क्या कोई पत्नी अपने ही पति को धोखा दे सकती है? अगर अभी तक आप ये मान रहे हैं कि पति या पत्नी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से शादी की है, तो आप गलत हैं। दरअसल एक महिला ने इस पवित्र रिश्ते को इस कदर बदनाम कर दिया कि आप जानकर चौंक जाएंगे। आप ये सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे हैं जिसने अपने पति के साथ जो किया है उस पर विश्वास करना मुश्किल है। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पत्नी ने अपने सोते हुए पति के घर के सारे कीमती सामान लेकर फरार हो गई है। इस महिला ने शादी की पहली रात ही अपने पति को धोखा देते हुए पति को सोता छोड़कर घर का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गई। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि ये महिला इस काम में अकेली नहीं थी, बल्कि इसके साथ एक और महिला थी। ये दोनों औरतें मिलकर भोले भाले लोगों से शादी करती और शादी की पहली ही रात को पति और उसके घर वालों को बेवकूफ बनाकर उनके घर का सारा सामान लेकर उड़ जाती थी। लोगों को फंसाने के लिए इनमें से एक लड़की कुंवारी बनती थी और दूसरी उसकी मामी बनती थी। ये सनसनीखेज मामला बनगर का है, जहां के निवासी दिनेश प्रजापति ने चिंतामन मंदिर में कुछ दिन पहले ही शादी की थी। पत्नी के द्वारा इस तरह लूटे जाने पर दिनेश ने दुल्हन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पति के मुताबिक शादी की पहली ही रात को उसकी पत्नी सभी घर वालों के सोने के बाद घर का सारा बेशकीमती सामान लेकर भाग गई। पुलिस ने अभी तक इस मामले में ये बताया है कि ये दोनों महिलाएं अक्सर ज्यादा उम्र के लोगों को फंसाती और उनके साथ ऐसा ही करती है।